नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर यानी कि आरसीबी के टॉप चार विदेशी खिलाड़ी जो कि वो आईपीएल 2019 में खिला सकते हैं। अगर आप सभी बैंगलोर के फैन हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। क्रिकेट और आईपीएल की खबरें ऐसे ही लगातार तौर पर पाना चाहते हो तो सब्सक्राइब भी जरूर याद से कर लीजिए। दोस्तों मैंने जो है कुछ दिनों पहले चेन्नई सुपर किंग्स के टॉप चार विदेशी खिलाड़ियों के ऊपर वीडियो बनाई थी, तो आज हम बात करने वाले हैं बैंगलोर की। दोस्तों बैंगलोर की जो टीम है ये बार काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है, जो कि हमेशा की तरह दिखाई देती है। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले खिलाड़ी की जो कि विदेशी खिलाड़ी के रूप में खेल सकते हैं, उसका नाम है मार्कस टॉइनिस। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को एक और बात बता दूँ कि जो मार्कस टॉइनिस है उनको जो है ऑस्ट्रेलिया के वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड है 2018 का। इसी से ये बात पता चलती है कि ये जो बंदा है मार्कस टॉइनिस अभी फिलहाल बहुत ही अच्छे फॉर्म में चल रहा है। टॉइनिस की खास बात यह है कि बैटिंग भी अच्छी करते हैं और गेंदबाजी में जो है दो तीन ओवर भी अच्छी फेंक देते हैं, तो बैंगलोर को जो है एक बैलेंस प्रोवाइड कर सकते हैं मार्कस टॉइनिस, और इनके जो चांसेस हैं मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं ओपनिंग करने के लिए। अब बात कर लेते हैं दूसरे खिलाड़ी की, तो उसका नाम आता है अब्राहम बेंजामिन डिविलियर्स यानी कि मिस्टर 360। हम सभी को पता है बेंगलोर की जान है एबी डिविलियर्स। विराट कोहली और एबी डिविलियर्स की जोड़ी आईपीएल में बहुत ही अच्छी धूम मचाती है, तो जो डिविलियर्स है हम सभी को पता है वो लगभग से फिक्स है, कन्फर्म है कि वो विदेशी खिलाड़ी के रूप में बेंगलोर की टीम में खेलने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं तीसरे खिलाड़ी की, तो दोस्तों तीसरे खिलाड़ी के तौर पे नाम आता है वो है एक यंग टैलेंट कैरेबियन खिलाड़ी सिमरॉन हिटमेयर। दोस्तों जो बेंगलोर की टीम है उन्होंने इस खिलाड़ी हिटमेयर के ऊपर जो है बहुत ही ज़्यादा भरोसा दिखाया है। वेस्ट इंडीज़ की टीम की तरफ से तो इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। सिमरॉन हिटमेयर जो है बेंगलोर के लिए फिनिशिंग का काम कर सकते हैं, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है और काफ़ी लंबे लंबे छक्के लगाते हैं, तो विराट कोहली की कंपनी ने जो है इनके ऊपर अच्छा खासा भरोसा दिखाया है ये साल के आईपीएल में, तो मेरे हिसाब से जो हिटमेयर भी कन्फर्म से खेलने वाले हैं बेंगलोर की टीम में। दोस्तों अब बात कर लेते हैं चौथे और आखिरी खिलाड़ी की, तो यहाँ पे जो हम सभी ने तीन विदेशी बैट्समैन खिला लिए, अभी जो है बेंगलोर को कुछ भी करके एक विदेशी गेंदबाज तो खिलाना पड़ेगा। वहाँ पे नाम आता है वो है नेथन कोल्टर नाइल का। नेथन कोल्टर नाइल जो है बिग बैश लीग में हल्का सा इंजर्ड हो गए थे, लेकिन अच्छी खबर ये है कि वो जो है अभी फिट हो गए हैं और आईपीएल खेलने वाले हैं। पिछले साल जो है नेथन कोल्टर नाइल इंजरी के चलते जो है बेंगलोर की टीम में नहीं खेल पाए, लेकिन ये साल जो है बेंगलोर की टीम पक्का तौर पे नेथन कोल्टर नाइल को खिलाने वाली है अपनी टीम में। इनका फायदा ये है कि ये जो है अच्छी खासी बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। दोस्तों मेरे हिसाब से जो है एक ही विदेशी खिलाड़ी अच्छा होगा बेंगलोर के लिए और बाकी के जो गेंदबाज है वो भारतीय गेंदबाज होने चाहिए। यहाँ पे जो है मोहम्मद सिराज, उमेश यादव, युजवेंद्र चहल, शिवम दुबे, ये सारे जो खिलाड़ी है वो बेंगलोर की गेंदबाजी अच्छी खासी कर सकते हैं। दोस्तों ये थे मेरे हिसाब से चार विदेशी खिलाड़ी, मार्कस टॉइनिस, एबी डिविलियर्स, सिमरॉन हिटमेयर और नेथन कोल्टर नाइल बेंगलोर की टीम की तरफ से। आगे कौन सी टीम के ऊपर वीडियो बनाऊं आप सभी बता दो कमेंट करके। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्रिकेट खेलते रहिए।